नमस्कार, आप सभी का पाइस एंड नाइस किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरा। दिल्ली का स्ट्रीट फूड है ये, बहुत अच्छा तरीके से इधर सब लोग खाते हैं, बनाते हैं। तो चलिए, उसके लिए क्या क्या सामान, कैसे बनाया है आप सबको दिखाते हैं। इसके लिए क्या क्या सामान लगा है, कैसे बनाया है आप सबको अच्छा तरीके से दिखाते हैं। चलिए, मैंने आज दिल्ली का स्ट्रीट फूड छोले भटूरा बना रही हूँ। ये मैंने इस कप से, ये 2 कप छोले मैंने भिगो लिया है और पानी इसको निकाल दिया है। फिर मैं ये कुकर में छोले को डाल देती हूँ। अब मैंने ये थोड़ा खड़ा गरम मसाला लिया है, एक काली इलायची, एक हरी इलायची, थोड़ा सा लौंग और थोड़ा दालचीनी लिया, ये डाल दूंगी। और एक टुकड़ा अदरक लिया, ये डाल दिया। इसको थोड़ा काला और खट्टा बनाने के लिए मैंने ये आंवला सुखा के रखा था, ये मैंने आंवला नमक लगा के सुखा के रखा था, ये मैं थोड़ा डाल दूंगी इसमें। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा मैंने डाला है ताकि जल्दी चना गल जाए। और पानी मैंने इसमें 2 कप चना लिया था, 3 कप पानी डाल रही हूँ। अब बाद में सीटी के बाद ज़रूरत होगा तो मैं इसमें फिर से डाल दूँगी। तो मैंने 3 कप पानी डाला, अब मैं इसको सीटी लगा लूँगी अच्छा से। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसका कवर मैं लगा दूँगी। कवर लगा दिया है, अब मैं इसका सीटी लगा दूंगी। इसको 3-4 सीटी, फ्लेम अभी हाई है, 1 सीटी आने के बाद मैंने स्लो करना है, फिर 3-4 सीटी आने तक इसको अच्छा से गला लूंगी। ये मैंने चना के लिए थोड़ा हींग लूंगी और ये थोड़ा सा हरी मिर्ची काट लिया है लंबा लंबा, थोड़ा धनिया ले लिया है, ये थोड़ा अदरक का लच्छा ले लिया, इसको बाद में तड़का दूंगी। 2 तेज पत्ता लिया है। अब मैं इसके मसाला के लिए 1.5 टमाटर लिया है, 1 मोटी प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ा सा 1 इंच अदरक लिया है, 5-6 लहसुन का कलियाँ काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, मैं एक साथ इनको मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। ये मैंने एक मिक्सी के जार लिया है, मैंने इसमें सारे डाल दूँगी। अब एक साथ मैं पीस के इसको अच्छा से भून लूँगी कुकर में। ये मैंने 1 सीटी आने के बाद इसको हल्का गैस में 10 मिनट रखा था, अब मेरा ये सीटी निकल गया है। मैं इसको खोल के देखती हूँ कैसे बना है ये। ये देखिए, आंवले की वजह से ये चना जो है काला हो गया है, इसमें अब चाय पत्ती उबाल के देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा है, ये थोड़ा गल गया है। आप थोड़ा इसको मसाला भून के जब 1 सीटी और लगा देंगे तो गल जाएगा अच्छा से। अब मैं इसको देखिए, मैंने कुकर गैस ऑन कर दिया था, कुकर मेरा गरम हो गया है। मैंने इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालूंगी, ये डाल दिया 3 बड़े चम्मच तेल। ये तेल मेरा गरम हो गया है, मैंने इसमें 3 तेज पत्ता डाल दिया है और ये थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ ताकि हजमा ठीक हो जाए। और मैंने ये देगी मिर्ची है कलर के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब मैं इसको अच्छा से मिला लेंगे। अब मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन जो पीस के रखा है ये मैंने डाल दूंगी, इसको अच्छा से भून लूंगी। गैस मैंने मीडियम रखना है, देखिए ऐसे थोड़ा लाल मिर्ची तेल में डालते हैं तो इसका कलर ही अच्छा आ जाता है, कभी कभार फ्रीज में टमाटर कलर अच्छा नहीं देता है। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको साफ कर लिया है, मैं इसमें कुकर में डाल दिया अभी। अब मैं इसको अच्छा से भून लूँगी। ये मैंने नमक स्वाद अनुसार डाला है,
ये थोड़ा मिर्ची दर बनाने के लिए एक चम्मच एक तीखी मिर्ची मैं डाल रही हूँ। धनिया पाउडर एक बड़े चम्मच डाल दिया है। और ये मैंने चना मसाला जो है ये भी मैंने एक बड़े चम्मच डाल रही हूँ। और इन सबको अच्छा से मिला लेंगे। और मैंने गैस का फ्लेम जो है मीडियम रखा है। ये देखिए मेरा प्याज अदरक लहसुन टमाटर और सारे मसाला जो है भून गया है अच्छे से। अब मैं इसमें जो है चना जो है वो डाल के थोड़ी देर भून के ये मैंने चना डाल दी। उसके साथ जो पानी भी था वो भी डाल दिया है। अब इसको अच्छा से मिला लेंगे। अब मैंने गैस जो है हाई कर दिया है। ये थोड़ा सा हरी मिर्ची मैंने डाल दूँ और थोड़ा सा अभी हरा धनिया डालूँ और एक बार मैंने थोड़ा सा घी दे के तड़का लगाऊंगी थोड़ा जीरा के साथ। तब मैंने ये थोड़ा हरी मिर्ची थोड़ा हरा धनिया ऊपर से डालूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक सीटी और लगा दूँगी ताकि वो ऐसे चना सॉफ्ट हो गया थोड़ा और अच्छा से सॉफ्ट हो जाए। मैंने और एक कप की तरफ पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाला है और इसको एक सीटी देंगे अभी अच्छा से। सीटी बंद कर दिया, एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे। तेज गैस में मैंने एक सीटी आने तक पकाऊंगी इसको। ये मैंने छोले में तड़का देने के लिए एक मैंने ये तड़का वाला ये लिया है और इसमें एक चम्मच घी डाला है। घी गर्म होने दूंगी अच्छा से। अभी मेरा घी गर्म हो गया, मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। ये जीरा फुटन हो गया है। थोड़ा सा एक चिटकी हींग डाल दूंगी। अच्छा अच्छा। और ये मैंने अदरक जो लच्छा करके काट के रखा था मैंने ये भी डाल दूंगी। और इसको अच्छा से थोड़ा सा अभी ये हो गया है, मैंने गैस बंद कर दिया और इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और ऊपर से थोड़ा हरा धनिया और दो तीन मिर्ची। अब जब मैं प्लेट करूँगी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और ऊपर से थोड़ा सा मिर्ची डाल के देखिए मेरा छोले कितना अच्छा से बन गया है। सुपर सॉफ्ट छोले है ये। मैंने भटूरे के लिए मैंने 2 कप मैदा ले रही हूँ। ये 2 कप मैदा मैंने ले लिया है। ये मैंने 2 कप मैदा में 1/2 कप सूजी ले रही हूँ। ये मैंने सूजी लिया उसको थोड़ा सा क्रिस्पी देने के लिए। अब मैंने 1/4 कप मैंने चीनी डाल दी उसमें। ये मैंने बेकिंग पाउडर 1 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। और ये बेकिंग सोडा मैंने 1/2 छोटे चम्मच। नमक स्वाद अनुसार। इनको अच्छा से मिला लेंगे। अब मैंने इनको अच्छा से मिला लिया है। अब मैंने इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ ताकि एक शाइनी दे भटूरा को। ये 3 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। और इसका खटास के लिए मैंने 1/2 कप दही लिया है। ये दही डाल के इसको अच्छा से मिला लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के मैंने इसको थोड़ा चिकना करके रख लूँगी। मैंने ना ज़्यादा पतला गूंदा ना ज़्यादा टाइट गूंदा,
इसको मीडियम गूंदा है और इसको बेलते टाइम ताकि ये अच्छा से बेल जाए, कहीं फटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब जाके भटूरा अच्छा से फूलता है। मैंने इसको ऐसे चिकना कर लिया है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के एक घंटा, पौने घंटा, आधा घंटा से ऊपर मैंने इसको रेस्ट दूंगी। अभी के मेरा भटूरे का आटा जो है एक घंटा हो गया है, मैं इसको हाफ उसमें करके अच्छे से छोटे छोटे लेची काट लूँगी इसकी, और ये अच्छा से फोल्ड करना है। इसको अच्छा से गोल करना है, कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसी में ही भटूरा फूलता है अच्छा से। ये मैंने ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में काट लूँगी। फिर इसको मैंने हाथों की मदद से, हल्का हाथों से इसको अच्छा से गोल कर लूँगी। ये ऐसे सारे मैं बना लूँगी अच्छा से, ऐसे गोल गोल करके। अब देखिए ये दूसरा वाला भी तैयार है। ऐसे मैंने सारे गोलाई ऐसे बना लेना है बिना क्रैक के। ये मैंने सारे गोल कर लिया है, देखिए कितना अच्छा से बना लिया है। अब मैं तेल गरम करती हूँ एक कढ़ाई में, और इसको बेल के आपको फ्राई करके दिखाते हैं। इसको मैंने थोड़ी देर कवर करके 5 मिनट रख लूँ, जब तक तेल गरम हो रहा है मेरा, मैं इसको तब तक कवर करके रख लूँ। ये मेरा कढ़ाई गरम हो गया, मैं इसमें तेल डाल दूँगी, 1 लीटर से ऊपर तेल डालूँगी। कढ़ाई मेरा बड़ा है, ये मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल को गर्म होने दूंगी, तब तक मैं वो एक एक करके बेल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए मैंने अब इसको बेलने जा रही हूँ, थोड़ा सा तेल लगा लूँगी इसमें, अच्छा से बेलना को भी चिकना कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसको बेल के थोड़ा सा पतला बेलूंगी इसको। अब मैं तेल गरम हुआ कि थोड़ा सा चेक करने के लिए वो छोटा सा जो थोड़ा डाल के देखती हूँ। थोड़ा सा तेल गरम होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हाथ के सहायता से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। अब तेल गरम हो गया, मैं इसको छोड़ दूंगी। इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में फ्राई करना है। देखिए मेरा भटूरा जो है फूल गया है। अब मैं इसको पलट लूँगी, ये देखिए कितना अच्छा से फूल गया है मेरा भटूरा। ये जो भटूरा है तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तेल ठंडा होगा तो ये फूलता नहीं है। तो मैं इसको ऐसे दबा के अच्छा से फ्राई कर लूँगी। अब मेरा ये भटूरा हो गया, मैं इसको निकालूंगी और एक बेल के अब फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। और एक ये मैंने थोड़ा सा तेल और ले लिया है,
अब मैंने इसको बेल लिया है। अब मेरा तेल भी गरम है, अब हाथ के सहायता से थोड़ा सा और पतला कर लेंगे जैसे मार्केट में लोग बनाता है। मैं इसको अब छोड़ दिया है। ये देखिए, ये दूसरा भी मेरा फूल गया है अच्छा से। अब मैं इसको पलट लूँगी, इसको अच्छा से दबा के चारों तरफ सेंक लूँगी अच्छा से। अब ऐसे करके मैंने सारे बना लूँगी। देखिए, ये मेरा छोले भटूरा जो है बन गया है। अब मेरा छोले भटूरा जो है कितना फूला फूला सा बना है देखिए। अब मैंने इसको सॉल्ट किया है, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा हरा चटनी, थोड़ा आम के अचार और थोड़ा मिर्ची के अचार, लाल मिर्ची के अचार के साथ। ये भी आप भी बनाइए, खाइए। ये रेसिपी अच्छे लगे तो मुझे लाइक से सब्सक्राइब करना। दिल्ली का है ये छोले भटूरा। देखिए, ये मेरा छोले भटूरा जो है बन गया है। अब मेरा छोले भटूरा जो है कितना फूला फूला सा बना है देखिए। अब मैंने इसको सॉल्ट किया है, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा हरा चटनी, थोड़ा आम के अचार और थोड़ा मिर्ची के अचार, लाल मिर्ची के अचार के साथ। ये भी आप भी बनाइए, खाइए। ये रेसिपी अच्छे लगे तो मुझे लाइक से सब्सक्राइब करना। दिल्ली का है ये छोले भटूरा रोड फूड।